दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके YouTube चैनल में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष, हाजिर हूँ बहुत अच्छे से टिप्स के साथ। फ्रेंड्स, आज आपको बताऊंगा और सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से आप अपने फ़ोन में जो एक्सेल फाइल्स होती हैं, यानी जो हम कंप्यूटर वर्क करते हैं, एक्सेल फाइल, डॉक्यूमेंट्स, वर्ड पैड, पावर पॉइंट यानी प्रेजेंटेशन बनाना, ये सब काम अपने फ़ोन में कर सकते हैं। तो कैसे, चलिए शुरू करते हैं। ये ट्रिक्स है बहुत पुरानी, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको साथ एक नए तरीके से ला रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, लेकिन जो एप्लीकेशन है वो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। लेकिन प्ले स्टोर पर आप सर्च करते हो तो काफ़ी सारे एप्लीकेशन आते हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि वीडियो के नीचे एक लिंक दे रखी है एप्लीकेशन की, वहाँ से डाउनलोड करें। बाकी एक मेरा भी एक प्ले स्टोर जैसा ही एक स्टोर है, जिसका नाम है bestapplicationstore.blogspot.com। वीडियो के नीचे लिंक है, वहीं से आप पहुँच जाएंगे, वहीं पर आप देख सकते हैं। वहाँ पर जो भी आपको एप्लीकेशन मिलेंगे वो 100% ट्रस्टेड होते हैं, यानी प्ले स्टोर की तरह नहीं कि एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया बट वो वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो आपको जो एप्लीकेशन मिलेंगे वो काफ़ी वर्कफुल आइटम होंगे, यानी जो भी एप्लीकेशन होंगे वो आपको वर्क करेंगे। तो वहाँ से इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन नाम है WP Office। जैसे ही आप उसे ओपन करेंगे WPS Office, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको इस तरह से इंटरफेस होगा, ठीक है। इंटरफेस आपको बता दूँ, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि रीडिंग के लिए। तो रीडिंग के लिए आप ओपन पे क्लिक करेंगे, तो ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अगर डॉक्यूमेंट्स करना है तो देख सकते हैं मेरी जो फ़ोन मेमोरी है उसमें कितने डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, और प्रेजेंटेशन पड़ी है, एक्सेल्स की फाइलें पड़ी हैं, पीडीएफ पड़ा है, यानी हम ये सब रीड कर सकते हैं। टेक्स्ट हैं जो हम लोग एरर वगैरह की फाइल्स होती हैं जो हम लोग रीड नहीं कर सकते डायरेक्ट, उन्हें हम यहाँ से रीड भी कर सकते हैं जो हमारी चिप में सॉफ्टवेयर की फाइलें होती हैं। तो यहाँ से ऑल करेंगे तो सभी आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स से मैं करता हूँ अर्निंग्स पब्लिसिटी, मैंने ओपन किया और ओपन हो रहा है, ये लोड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अर्निंग के पब्लिसिटी डॉक्यूमेंट्स आ गया। अब यहाँ पे है फॉन्ट्स, ये फॉन्ट जो मैंने यूज़ किया वो मैंने कंप्यूटर द्वारा फॉन्ट्स ऐसा यूज़ किया स्टाइलिस वाला, तो मेरे फ़ोन में तो फॉन्ट है नहीं, ये तो आप भी जानते हैं कि फॉन्ट जो है अलग से डालना होता है। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने नॉर्मल फॉन्ट यूज़ किया व्हाट्सएप वगैरह वो इसमें इजिली आ रहा है, लेकिन जो हिंदी में वो नहीं आ रहा है। तो मैं आपको दूसरे दिखाता हूँ, आशीष के नाम से जो बनाई है मैंने, ये भी देखते हैं क्या है इसमें। देखो यहाँ पे एक रिज्यूम है, तो रिज्यूम देखिए पूरा आ रहा है, रिज्यूम आशीष राठौर वगैरह सब कुछ आ रहा है रिज्यूम। तो यानी देखिए रिज्यूम वगैरह हम सब कुछ यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। अब बात करते हैं प्रेजेंटेशन की, तो PPT, यानी अगर हम कहें तो पावर पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक मैंने बनाया था, तो यहाँ प्ले पे मैं क्लिक कर देता हूँ और देखते हैं ये प्रेजेंटेशन, अगर आप प्रेजेंटेशन देख सकते हैं तो प्रेजेंटेशन देख सकते हैं आप। मैं इसको क्लिक करता हूँ और ये चेंज होता रहेगा, वेरी गुड। तो इस तरीके से इसको प्ले मोड भी काफ़ी तरह दे रखे हैं जैसे प्ले मोड होते हैं, ठीक है। तो ये तो है आपकी प्रेजेंटेशन, ये आप बना भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, ठीक है। पहले तो आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर आपके फ़ोन में पड़ा है फाइल्स वगैरह तो आप कैसे इनको देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सेल फाइल है, एक्सेल में देखिए DSP मैंने एक बना रखा है, तो DSP देखते हैं कि DSP में क्या है। DSP एक डेली सेविंग प्लान है, तो देखिए यहाँ पर मैंने एक्सेल की फाइल है उसको मैं आराम से देख सकता हूँ और यूज़ भी कर सकता हूँ, बना सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ, हर चीज़ कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। एक्सेल हो गया आपका। अब बात करते हैं PDF फाइल मैंने अभी आपको दिखा दूं कि एक फर्स्ट DP करके एक PDF फाइल थी जिसमें पासवर्ड मांगा जाएगा मुझसे, क्योंकि पासवर्ड वाली फाइल है 9876 का पासवर्ड, ओके। और देखिए ये PDF फाइल है, PDF में फ़ोटो भेजा गया है प्रैंक के तौर पे। यहाँ पे टेक्स्ट वाली फाइल है, यानी एक नोट के तरह से, तो जो भी होगा उसमें एक टेक्स्ट लिखा होगा। ये सॉफ्टवेयर की फाइलें होती हैं, यानी जो आपके फ़ोन में सॉफ्टवेयर की फाइलें हैं वो भी आप इन्हें इजीली देख सकते हैं। यहाँ पे अदर फाइलें वगैरह दे रखी हैं। तो नहीं, ये तो रह गया आपका ये कि आप कैसे देख सकते हैं। अब बात करते हैं प्लस की, यानी हम इसको बना कैसे सकते हैं, ठीक है। ये तो ओपन था, ओपन को आप हटा दीजिए और यहाँ पे प्लस के साइन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए न्यू स्कैन, यानी आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्कैन कर सकते हैं एक फ़ोटो कॉपी की तरह। न्यू स्प्रेडशीट्स यानी मान लीजिए आपका एक्सेल, और न्यू प्रेजेंटेशन यानी PPT यानी पावर पॉइंट, और न्यू मेमो एक नोट पैड, और न्यू डॉक्यूमेंट्स यानी वर्ड पैड। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट्स, तो आप जानते ही हैं स्प्रेडशीट यानी एक्सेल, एक्सेल पे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास सामने जो ओपन हो जाएगी वो एक सिंपल एक्सेल शीट हो जाएगी जिसको मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। इसमें आप कुछ भी बना सकते हैं शीट, और यहाँ पे आपको फॉन्ट दे रखे हैं, टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए दे रखा है, इसको कर्सर से हम नीचे कर देंगे। तो यहाँ पर नीचे देखें काफ़ी ढेर सारे वर्जन सॉफ्टवेयर के लिए दे रखे हैं, मर्ज दे रखा है, कलरफिल दे रखा है, बोल्ड दे रखा है, और यहाँ पे आप फार्मूला भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पे कुछ बनाता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ।
आप देख सकते हैं, देखिए मैंने यहाँ पे नाम लिख लिया है, यहाँ पे मैंने अमाउंट लिख लिया है। अब मैं इसको सम करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे लास्ट में कीबोर्ड बन के आ रहा है। कीबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से नंबरिंग डाल जाएंगे, यहाँ पे आप करेंगे तो आपके नॉर्मल कीबोर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है, तो अल्फ़ाबेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो इसका जो है सम का यानी जोड़ने का, तो हम लिखते हैं SUM सम, और ईज़िली आपको जो जो अमाउंट जोड़ना होता है वो आप जोड़ सकते हैं इस तरीके से। बता दूँ आपको, आप सिंपल यहाँ पर क्लिक कीजिए, ये जोड़ना है, ये जोड़ना है, ये जोड़ना है, ये जोड़ना है, फार्मूला सारे वर्क करेंगे जैसे आपके फार्मूला वर्क करते हैं। अब ऐसा ओके डन कर दूँगा, ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं डन। आप देखेंगे टोटल आगे 283। इस तरीके से आप फार्मूला, जो भी फार्मूला आपको आते हैं वो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर फार्मूला चाहें तो फार्मूला आप सर्च भी कर सकते हैं। जैसे आप किसी पर क्लिक करें तो नॉर्मल कीबोर्ड यहाँ पर ओपन नहीं होगा, आपको यहाँ पर ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे नीचे आपको कीबोर्ड दिख जाएगा, तो कीबोर्ड यहाँ से आपको ओपन होगा। अब बात करते हैं हम, क्या कहते हैं, अगर किसी का फॉन्ट बड़ा करना है, जैसे मैं इसी पे क्लिक कर देता हूँ फार्मूला बार पे, लेकिन उसका फॉन्ट बड़ा करना है मुझे, तो फॉन्ट के लिए आप क्लिक करेंगे सिंपल, आपको बता दूँ यहाँ से हाइट कर देता हूँ, ये जो टेम्पल्स है चार ब्लॉक्स आ रहे हैं, मेनू टाइप का मेनू पे ओपन कर देंगे तो देखिए यहाँ से साइज़ दिख रखा है आपको, साइज़ आप कितना चाहते हैं उसका आप यहाँ से साइज़ करेंगे, देखिए साइज़ बड़ा हो गया, ठीक है, तो मैं साइज़ यहाँ से थोड़ा सा बैक कर लेता हूँ, साइज़ हो गया। यहाँ से आप उसका चूज़ कर सकते हैं फॉन्ट, फॉन्ट कौन सा चाहते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी ढेर सारे फॉन्ट्स आपको मिल जाएंगे, तो यहाँ से आप फॉन्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप डाउनलोड करना चाहें यहाँ से डाउनलोड करके और इसको यूज़ कर सकते हैं। बोल्ड कर देंगे तो बोल्ड हो जाएगा, इस तरीके से हल्का सा अंडरलाइन हो जाएगा, जो भी आप चाहें वो यहाँ पर कर सकते हैं, कलर चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे टैक्स है आपका, साइड में रखना चाहते हैं, बीच में रखना चाहते हैं, बॉर्डर कैसा रखना चाहते हैं, फुल वाइट कैसा है, नंबर कैसा रखना चाहते हैं, और क्या कहते हैं फॉर्मेट के लिए रिसाइज, यानी आपको फॉर्मेट सेल्स के लिए भी दे रखा है, जैसे फॉर्मेट सेल्स होती हैं, मर्ज किंग होता है, एक होता है फ्रीज होता है, यहाँ पर सभी फंक्शन आपको यहाँ मिल जाएंगे। होम फाइल व्यू, कैसा व्यू देखना चाहते हैं फिल्टर में, या कोई सर्च करना, देखिए फ्रीज है यहाँ पे, वो कर देंगे तो वो टैब फ्रीज हो जाएगी, बाकी सब टाइप हेल्थी रहेंगी। रिव्यू, रिव्यू दिखा रहा है, कमेंट्स वगैरह, या प्रोडक्ट सीट यानी लॉक लगा सकते हैं आप, डाटा कर सकते हैं, डाटा पे आप शॉर्टिंग वाइज भी देखा है कि आप शॉर्ट करना चाहते हैं, नेम वाइज देखना चाहते हैं कि किस तरह से देखना चाहते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, और सिंपली यहाँ पर आप इसको सेव कर देंगे। तो ऊपर देखिए डन है, डन के बाद सेव का ऑप्शन आ जाए तो बस डन कर दीजिए, सेव हो जाएगा आपका। तो आप सेव करना चाहते हैं SD कार्ड में या फिर फ़ोन में, तो मैं कर देता हूँ SD कार्ड में, SD कार्ड में करते हैं, बस सेव हो जाएगा आपका। फ़ोन में चाहे फ़ोन में कर सकते हैं, फ़ोन में जैसे आप करेंगे कोई SD कार्ड की परमिशन देनी होती है, और SD कार्ड में नहीं फ़ोन में, जैसे हम नाम चूज़ कर लेंगे आशीष न्यू और सेव, एक्सेल में ये फाइल सेव हो जाएगी, और फिर हम इसको दोबारा से रीओपन यहाँ पे वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे आशीष न्यू यहाँ पे आ गई है। अब बात करते हैं आपका डॉक्यूमेंट्स की, तो डॉक्यूमेंट्स पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए ब्लैंक है, ब्लैंक पे जाएगा, एक कस्टम टेम्पल्स हैं यहाँ पे, टेम्पल्स भी मिल जाएंगे आपको उसके लिए, जैसे रिज्यूम वगैरह के लिए, तो अगर उस पर आप चाहें तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ब्लैंक पे क्लिक करेंगे तो क्लिक ब्लैंक पेज ओपन हो जाएगा आपके पास, ब्लैंक पेज ओपन हो जाएगा, इसमें डॉक्यूमेंट्स आप जानते हैं क्या होता है, डॉक्यूमेंट तो सिंपल होता है भाई, हेलो या फिर रिज्यूम वगैरह के लिए होता है, एम आशीष। तो इस तरीके से आप इसमें डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, जो भी आप चाहें, बोल्ड वगैरह का ऑप्शन इसमें भी वैसे ही मिल जाता है, यहाँ पे मेनू पे क्लिक करेंगे तो मिल जाएगा आपको कलर का, बोल्ड का, साइज का, इसको आप PDF में भी चेंज कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि PDF वगैरह में सब कुछ चेंज कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है। मैं आपसे कहूँगा कि एक बार उसका यूज़ कीजिए अगर आपको डॉक्यूमेंट्स या एक्सेल की यूज़ होती है। फ्रेंड्स आज के लिए इतना जल्द और नई टिप्स होता है, धन्यवाद। वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, दोस्तों साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये आपके ही नहीं सभी के काम की चीज़ है। और हमारे से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे फ्रेंड बन जाइए वो भी फ्री में। अब मैं जो वीडियो बनाऊंगा उनको क्या होगा, उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, थैंक यू। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन आ रहा है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और डेली अपडेट्स पाते रहिए।